आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप वन पॉइंट लाइटिंग कर सकते हो, सिर्फ एक लाइटिंग की मदद से पूरी फोटोग्राफी कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये मास्टर लाइटिंग ट्यूटोरियल का दूसरा सेक्शन है, जहाँ पे आप ये वन पॉइंट लाइटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हो। देखिए, अभी हमारे साथ खुशी है और खुशी बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स हम लोग को आज देने वाले हैं। अगर आप चाहो तो आप उनको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इनका जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर मुझे आपको समझाना हो, अभी हमारे पास यहाँ पे LC500R गोडोक्स का है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे वन पॉइंट लाइटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। वन पॉइंट का मतलब होता है एक सिंगल लाइट से फोटोग्राफी करना। एक सिंगल लाइट से जब आप फोटोग्राफी करते हो तो चेहरा बहुत ही लो की लाइटिंग देता है। लो की लाइटिंग का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ डार्क होता है पिक्चर में, सिर्फ एक जगह से लाइट आती है और बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी लगती है। यहाँ पे जैसे आप इनका चेहरा देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैंने यहाँ पे पीछे ब्लैक बैकग्राउंड रखा है। एज यू कैन सी, ब्लैक, सब कुछ ब्लैक होगा और एक जैसे कि कोई स्पॉट की तरह लाइट आती है ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वन पॉइंट है, ये हो गई, आप सामने देखो। यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट लाइट है, सीधा देखिए आधा चेहरा दिख रहा है और आधा चेहरा नहीं दिख रहा है। और इसी की मदद से हम बहुत सारी क्रिएटिविटी आज करने वाले हैं। तो अभी मैंने शुभम को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि तो उसको जो है लाइट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करनी है, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी स्प्लिट लाइटिंग, कभी टॉप लाइटिंग, कभी हॉरर लाइटिंग, कभी बैक लाइटिंग, कभी रिम लाइटिंग, कभी ये, कभी वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैं उसको देते जाने वाली हूँ। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो लाइट यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही है और मैं जो है फोटोग्राफी कर रही हूँ, और बस एक सिंगल लाइट से, माइंड यू, एक सिंगल लाइट से कितने वेरिएशंस वाले इंटरेस्टिंग फोटोज हम लोग को आज मिलने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले तो या उसके स्प्लिट, उसके आधे पे आ जाओ, वो जहाँ पे खड़े हैं, हाँ थोड़ा सा मेरे सामने देखो, थोड़ा स्ट्रेट फेस, और वहाँ पे थोड़ा मेरे सामने। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे सुंदर स्प्लिट लाइटिंग वाले फोटोज आ रहे हैं। मैं बस ये एक लाइट को कप की घुमा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। आप देख सकते हो कितने सुंदर पिक्चर्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिंपली अभी उनको 0 डिग्री पे लाइट दे रही हूँ कि लाइट जो है एकदम ट्यूबलाइट की तरह ऊपर आ गया है। उनका चेहरा देखो एकदम ग्लो कर रहा है। जैसे एक सेकेंड, अभी देखो जैसे कि वो नीचे देख रहे हैं, नीचे देखो, अभी जैसे कि अभी ये नीचे देख रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, तो ये जो लाइट है देखो ये नीचे देख रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे लाइट डालोगे। ये लाइट छोड़ दो शुभम, ये लाइट को मैंने ऐसे लिया और यहाँ से डाला। ज़रूरी नहीं है कोई लाइटिंग रूल फॉलो करो हर बार, बस मैंने अपने हिसाब से लाइट के सामने देखो और थोड़ा वहाँ पे देखो। आप देख सकते हो इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आ रहे हैं। अभी अगर मैं इसी लाइट को यहाँ से दूँ और ऐसा शेड में, ऐसा लगता है जैसे विंडो में से कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ भी लाइट पे आप कर सकते हो। मैंने ये जो बांडोर्स है उसको बस कंट्रोल किया है, नैरो किया है। अभी आप देख सकते हो कि ऐसा लगता है जैसे विंडो लाइट है। देखो यहाँ पे एकदम ही स्प्लिट, एक हल्की सी लीटी जैसी हो, लाइन जैसा हो, ऐसा लगेगा। देखो, आइज क्लोज, आप देख सकते हो ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई सूरज की किरण आ रही है। ऐसी ये लाइटिंग टेक्निक्स आप एक लाइट से, मात्र सिर्फ एक लाइट से कर सकते हो। इसमें मुझे थोड़ा सा ISO बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत ही कम सोर्स ऑफ लाइट है इसके लिए, बट वर्थ अ ट्राई। आप देख सकते हो ऐसी क्रिएटिव लाइटिंग यहाँ पे हुई है। अभी नेक्स्ट पिक्चर में अगर मैं चाहूँ तो इसी को ऐसे, ऐसा लगेगा जैसे कोई स्पॉट इफेक्ट है, ऐसे स्पॉट की तरह लाइट दे दो ऊपर से और आपको बस ऐसे जाना और ऊपर देखना लाइट, ऊपर लाइट के सामने देखिए थोड़ा ना ऐसे,
आप देख सकते हो कि एकदम ब्यूटीफुल स्पॉट की तरह वो इफेक्ट आ रहा है। आप देख सकते हो कितना ही इंटरेस्टिंग पिक्चर आया है, बहुत ही अच्छा खासा लो की लाइटिंग है। आप चाहो तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा क्रिएटिविटी कर सकते हो टू माई एक्सपीरियंस। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 135 डिग्री लाइटिंग कर रहे हैं। आप सामने पीछे देखो, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा नीचे, कितना इंटरेस्टिंग लाइटिंग इफेक्ट है। थोड़ा सा ऐसे देखिए, थोड़ा ऐसे नीचे, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ ये लाइट को उनके हेयर लाइट की तरफ रख दिया है, उनके बालों पे आए वैसे रख दिया है। और उनको मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे देखो, ऐसे देखो, अभी आप देखो कितना इंटरेस्टिंग पिक्चर आ रहा है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग एकदम ही बैकलाइट पिक्चर आ रही है, जहाँ पे ये एकदम, इसको लो की कहते हैं। अगर इसी में मुझे अभी रिम लाइट इफेक्ट करनी हो तो मैं कैसे करूँ? आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही आसानी से ये रिम लाइट कर दिया। मैंने क्या किया था, मैंने ये देखा कि सब्जेक्ट का सिलहुड दिखना चाहिए। सिलहुड का मतलब होता है कि उनकी जो बॉडी है उसकी जो पेरिफेरी होती है, जो उसका जो आउटलाइन होता है वो दिखना चाहिए। वो यहाँ पे खड़े हैं, एग्जैक्टली उनके पीछे ये भाई साहब यहाँ पे लाइट लेके खड़े हैं। अभी शुभम यहाँ पे लाइट लेके खड़ा है, आप सामने देखो, बस उनके पीछे ये लाइट डाल दी है और ऐसे लगता है जैसे एक आउटलाइन क्रिएट हो गई है। इसको कहा जाता है रिम लाइट। रिम लाइट हम लोगों ने कितने सारे कपल पिक्चर्स में यूज़ किया है, कितने सारे जो प्री वेडिंग शूट्स में यूज़ किया है, बहुत सारी बार ब्राइडल फोटोग्राफी में यूज़ किया है। बहुत ही आसान था, कितना सिंपल था, बस एक डार्क रूम चाहिए। ऑफकोर्स कहीं दूसरी जगह से लाइट नहीं आनी चाहिए, डार्क रूम के अंदर हल्का सा बस एक लाइट लेना है और पीछे रख देना है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिम लाइट इफेक्ट। अभी रिम लाइटिंग में आप अलग अलग चाहो अपने हिसाब से क्रिएटिविटी से पोजिंग करवा सकते हो। अभी इसी के साथ मैं आपको सिलहुड इफेक्ट दिखाऊंगी। सिलहुड इफेक्ट क्या होता है, जो हम लोग सनसेट में फोटोग्राफी करते हैं वो बहुत ही आसान है। यही लाइट को जो यहाँ पे थी उसके बदले यहाँ पे चली गई। स्माइल, आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग पिक्चर आ रहा है। अभी आपने देखा कि हम लोग ने कितने सारे अच्छे खासे सिलहुड फोटोज़ भी कैप्चर किए एक लाइटिंग की मदद से। सिर्फ और सिर्फ एक लाइटिंग के मतलब से हम लोग ने कितने सारे वेरिएशंस में फ़ोटो खींचे, कभी सामने से, कभी साइड से, कभी सिंपल, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप सिर्फ एक लाइट पर फोटोग्राफी कर रहे हो और इतने सारे भरपूर हम लोग ने फ़ोटोज़ कैप्चर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन ऑफकोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरी वन, थैंक यू खुशी फॉर कमिंग, सी यू सून।